करके सब लोग में पूछना चाहेंगे और मैं बनाने जा रही हूँ। ये मैं बना गाजर का हलवा, इसमें अभी गाजर को धो के ले आए हैं और इसे क्रश कर लें। और आप लोग को गाजर का हलवा कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताइए। ये मैंने इधर से कटिंग की, ये देखते मोटे मोटे हो गए तो इधर से रहने देते, ये इधर से करते मैन वाले। इधर से मस्त हो गए, करके आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने इतना ध्यान देते आप लोग 20 बजे 8:30, ठीक है। मैं आधा घंटा में देखती हूँ कर लूँ, इतने सारे हैं। और ये देखिए इसमें कितने अच्छे छोटे छोटे निकले नहीं में, और उसमें इतने मोटे मोटे निकले थे जो भी एकदम बेकार। और देखिए मैंने इतने सारे क्रॉस कर दिए, कभी बचे अच्छे देखिए निकाल लिया, नहीं बचे ये देखिए 2, 4, 6 इसमें थोड़ा सा भी फंस जाता है तो ये चलने का। हाँ तो है ना, ये तो बैंड बज गया है मेरे। और मेरा ये देखिए मैंने गाजर को फ्राई कर लिया था खूब घी में, अब मैंने फ्राई करने के बाद दूध डाल दिया इसमें। ये देखिए अब इसमें ड्राई फ्रूट का इलायची का पाउडर डालूंगी, यम्मी 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 यम्मी। अब ये दूध सूखेगा तब चीनी डालूंगी, नहीं तो आओ पानी पानी में जाएंगे। जब तक ये सिस्ता है तब तक मैं ड्राई फ्रूट की तैयारी कर लेती हूँ। लद्दाख को पानी सोखने में कितने टाइम लगा, ये देखिए अभी बहुत अच्छा है, ये कलरफुल हो गया। और ये देखिए हलवा लगभग हो गया है, पानी बहुत सब सोख लिया है मैंने, पानी नहीं दूध में इस बार, पानी चीनी सोख लिया। अब इसमें डाल देती हूँ मैं चीनी। आप लोग बताइए चीनी का ये क्वांटिटी सही है या ज़्यादा हो जाएगा या कम, ये देखिए नहीं डालते क्योंकि दूध जो घी है उससे भी तो मीठा होगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं डालती। थोड़ा सा छोड़ेगा ये पानी चीनी सीधे रहते हैं, देखे पानी अभी इसमें बहुत है भी। मेरा हलवा बन के तैयार हो गया। अब देखिए हलवा बना है यहाँ और मेहनत की मैं, पसीना छूटा इस दीवार को, ये देखिए पसीना छूटे इनको, इतना मेहनत मैंने की। और देखे और इसे देखिए और इसे देखिए और मेहनत की है मैंने, जब मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा।
और ये गर्मा गर्म हलवा सब कर दिया मैंने, ये देखिए। और ये है आप लोग के लिए, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए खाने के लिए हलवे को।